लालू यादव के लिए परिवार फर्स्ट, योगी आदित्यनाथ। राज्य से कोई उम्मीद मत करिए, कांग्रेस कभी राम मंदिर नहीं बनवा पाती। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवादा लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर के समर्थन में सभा की। उन्होंने कहा कि राज्य से कोई उम्मीद मत कीजिए, वो सिर्फ परिवार की पार्टी है। लालू यादव को परिवार के आगे कुछ नहीं दिखता, परिवार के लोगों को टिकट देते हैं। विपक्ष ने केवल समस्याएं दी, मोदी ने समाधान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कभी राम मंदिर नहीं बनवा पाती, ना लोगों को मुफ्त राशन दे पाती। योगी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा, कहा कि लालू के एक परिवार वाले यूपी में भी हैं, हमने उन्हें बिल्कुल शांत कर दिया है। बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है, यही मोदी की गारंटी है। हमने एक तरफ भगवान राम के लिए भव्य मंदिर बनवाया, दूसरी तरफ अपराधियों और माफियाओं को राम नाम सत्य पर भेजने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। क्या कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करते? क्या ये लोग कर पाते? क्या गरीबों को ये लोग राशन दे पाते? क्या सारा तो ये ही खा जाते थे। आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना, और वही गुंडा राज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो, गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको, और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से, और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई गलती नहीं होगी। और माफियाओं की स्थिति क्या है? हमने एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया, और बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा में भेजने का काम किया। यह कार्य केवल भाजपा कर सकती है बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आए हैं आपके पास। बहनों और भाइयों, बोलचाल की भाषा में हम राम राम कहते हैं, मिलते हैं जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन जो कानून नहीं मानता है, देश के खिलाफ साजिश रचता है, उसके लिए भी हम कहते हैं चलो तुम्हारा राम नाम सत्य भी होगा। और आज आप देख रहे होंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य, 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। और बहनों और भाइयों, आज वही आश्वासन देने के लिए आए हैं, यह काम केवल बीजेपी और एनडीए ही करेगा, और इसी के लिए मोदी जी तीसरा कार्यकाल मांगने के लिए आपके पास इस लोकसभा चुनाव में आए हैं, क्योंकि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का मतलब विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। अब तक तो हम लोगों ने कांग्रेस, आरजेडी और इन दलों के दलदल में जो देश फंस करके बड़े बड़े गड्ढे इन्होंने बनाए थे ना, इसको पाटने में और इनके कचड़े को साफ करने में समय लगाया। अब स्पीड बढ़ा करके भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने का समय आ चुका है। बहनों और भाइयों, ग्लोबल लीडर के रूप में भारत बनने का मतलब एक आत्मनिर्भर भारत। लर्न इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, आधुनिक सुविधाओं से युक्त, आपके बच्चे के भविष्य के लिए है सबसे बेहतरीन चॉइस, जहां आपको मिलेंगी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्मार्ट क्लासरूम्स। लर्न इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, भरतपुर गेट चौराहा, बिहारी लाल परिसर के सामने, एडमिशन ओपन।